₹30 देंगे तो चौपाटी अपनी हो जाएगी। ठीक है, मतलब हम लोग नहीं लगा सकते क्या गाड़ी? साइड के वो लोग नहीं आ सकते क्या चौपाटी? अरे पंप को कर दूंगा खाली। लग रहा था क्या बिजली कड़क रही थी भाई। अच्छा अच्छा, काम के दिल पर पत्थर रख के दिया, अभी याद मत दिलाओ। सबको भीख मांगे खाना पड़ती है कटोरे के अंदर। ये दो पीछे देखा, ऐसे ढक दो यार उसको रेनकोट से। नहीं यहाँ पे छोड़ के गया, ये पानी इतना गंदा है। मेरे को मेरी ढीली आ गई पैंट। फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद उस्मान गनी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MUSG 92। भाई बच्चे लोग तो सो रहे हैं, आज हुआ ऐसा कि इतनी जोरदार घमादार धमाकेदार जोरदार खतरनाक वाली बारिश आ रही थी सुबह में 5 बजे। अब भाई मुंबई में तो 5 बजे पानी भरने का टाइम होता है, हमने पानी वानी भरा, दिल पे पत्थर रखे कि भाई चलो अभी रुक जाएगी अभी रुक जाएगी, बारिश रुकी ही नहीं। तो 6:30 बजे हमारा दिल नहीं माना, हम उतर गए नीचे बारिश में नहाने के लिए। तो बारिश तो भाई चली गई है, जो वाटरफॉल आ रखा है ये गिर रहा है ब्रिज में से। और भाई बारिश रुक गई, ये औरत अपने सपने लेके ख्वाहिश लेके सारे उम्मीदों पे पानी फिर गया, बारिश में नहाने आई बिचारी, रेनकोट रेनकोट पहनी। इसको बारिश मिली नहीं, इतनी अच्छी मलाई नींद में छोड़ के आई, ये चलो नहाएंगे। नीचे होते तो कुछ नहीं, पूरा पचका हो गया। और इतना बिजली बिजली कड़क रही थी, ऐसा लग रहा था कि आज बिजली कड़क रही थी भाई। भाई ये कुछ है ना, पिछले जन्म के पाप होंगे जो इस जन्म में ऐसा हो रहा है। बारिश तो मिली नहीं यहाँ, लेकिन सुबह सुबह इडली कबाब पाव मेदू वड़ा डोसा वोसा वो सब मिल जाएगा, तो क्या बोलते हो लूट पड़े? बेचारी सोची थी पंछी बनू उड़ते चलू मस्त गगन में, लेकिन बारिश होती तो भी नहीं, इसलिए पंछी भी गया गगन भी गया, और अब हम लोग खाने में मगन हो जाते हैं गाइस। भाई गाइस देखो, शौक जिसका पेमेंट भी उसको करना पड़ेगा ना, शौक इसको बहुत था ये देखो, तो आज भी इसीलिए जीपे करवा रहा हूँ। सुबह सुबह उतने बहुत शौक था ना, पेमेंट भी करो। तो फ्रेंड्स आज हो गया स्कूल में आने के लिए लेट, बच्चों को लेना था, ये देखो ये बच्चे ले लिए हमने, और इन लोगों ने क्या हालत कर रखी, चलो आपको दिखाते हैं। सुबह में स्कूल ड्रॉपिंग के टाइम पे तो इसलिए नहीं बताया क्योंकि इतनी बारिश हो रखी थी इतनी। अब ये भाई साहब ने अब्बास ने इसको अपने बैग को यहीं रख दिया, वहाँ पे हॉल है हॉल में नहीं रखे। और ये देखो आज इसको चप्पल पहना के भेजे क्योंकि सैंडल नहीं थी, इसने अपने जूते पूरे भीगे कर दिया, अब्दुल ने जूते सूखे, उसकी हालत देखो आज क्या किया है देखो कैसे किया। और ये बैग को यहाँ पे रख दिया तुमने उठा के, बैग में सब बुक्स गीली नहीं होगी, हॉल है वहाँ पे रखना चाहिए ना। ये सैंडल आज चल के ब्लैक करके दिलाता हूँ, अब्दुल गनी तुम भी सैंडल ले लो। जब ये बच्चा तो इतना गंदा हो रखा है, पता पता जरा पीछे से देखा, इसको बाइक पे बिठाएंगे तो अपने भी कपड़े गंदे होंगे, काम करते हैं उसको नीचे बिठा देते हैं, ऐसे ढक दो यार उसको रेनकोट से। बैठो नीचे अभी, चलो बैठो अब्दुल गनी तुम भी। भाई गाइस देखो ये देखो, ये गंदा बच्चा आज गंदा बच्चा हो रखा है, इसका नाम आज गंदा बच्चा, निकलते फटाफट घर पर। आके नाश्ता कर लिए, मदरसा जाके कुरान शरीफ पढ़ लिए, खाना खा लिए, ट्यूशन पढ़ लिए, सो गए, उठ गए, फिर हो गई शाम, जिंदगी यूं ही हो गई तमाम, क्योंकि इनके जो जूते हैं ना वो गीले हो जाते हैं, और फिर पड़ती है इनको मम्मा के हाथों से मार। तो भाई गाइस अब बारिश के टाइम पे तो शूज वगैरह पहन के जाना स्कूल में बहुत प्रॉब्लम है, गीले हो जाते हैं पूरा 10 घंटा 8 घंटा जितने टाइम लोग स्कूल में रहते हैं, इन लोगों को गीले गीले पैर हो जाते हैं ना। तो फिर अब चलते हैं फटाफट, लोगों को दिला देते हैं सैंडल। भाई ये तो बारिश आ रही, तो नाच रहा बच्चा, क्या मिल गया हो गया, स्टॉप ले लिया और अपने शॉपिंग कर ली, हो गया ना, चलो निकलते हैं। चलो भाई डांस करके दिखाया ना उसको भी, एक दे दो, एक चीज दे दो बेचारे बच्चे को, दे दो बेचारा हाथ फैला के मांग रहा है, दे दो चलो। एक ये बड़ा टास्क तो पूरा हो गया भाई, ये जूते पहनने से जो बच्चे लोगों को पैर में जो ठंड बैठ रही है ना, फंगल इन्फेक्शन भी हो रहा है, स्किन को प्रॉब्लम भी हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने दिला दिए लोगों को सैंडल ताकि ये सब प्रॉब्लम ना हो। तो भाई बारिश में ये सब चीज़ों का बहुत केयर करो, अपने बच्चों को शूज़ पहना के भेजो ही मत स्कूल में। तो चलो आप घर निकले फटाफट, क्या करते हो? पापा घर क्यों जाना है, सो के उठ गए, नाश्ता कर लिए, खाना खा लिए, एकदम फ्रेश हो गए, चलो कितनी अच्छी हवा आ रही है, अपन चौपाटी जाते हैं, वहाँ पे जाके थोड़ा थके, फिर रात में जल्दी नींद आएगी, फिर सुबह उठने के लिए आसानी होगी। मगर ये बच्चा तो अभी से नींद में दिख रहा है भाई। चौपाटी चलते हैं भाई, ये पटाने का तरीके अच्छे तुम लोग, क्या चौपाटी जाऊँ, पानी पूरी, पानी पूरी चौपाटी पे तो पानी पूरी और दही पूरी मिलती है, और लेकिन वो लोग अच्छे से खिलाते हैं, हाथ में ग्लव्स वगैरह पहने रहते हैं। चलो ठीक है, कम से कम 2 प्लेट तो खाऊंगी खाऊंगा। अरे वाह, मैं पापा दुकान खाऊंगा, दुकान खाऊंगा तो पूरी दुकान, ये दुकान पानी की पूरी नहीं खाएगा। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग की टीम निकल चुकी है चौपाटी, पापा तुम हमेशा करते हो, मम्मा का जीप पे खाली, आज मैं करूंगा तुम्हारी जेब खाली।
अगर तुम करोगे मेरी जेब खाली तो मैं मार मार के तुम्हारी पप्पा को कर दूंगा खाली। पापा एक बात, पापा ये ब्लॉग में डालना, एक बात भी तुम्हारी कर दूंगा पप्पा खाली। तो फिर मत करना तुम मेरी जेब खाली, ठीक है? नहीं मैं ऐसा करूंगा, मेरे को भूख लग रही है। अच्छा फिर मैं भी करूंगा पप्पा खाली, मार मार के पप्पा खाली। बेसन और मलाई लगा के व्हाइट कर दूंगी उसकी पम्पम। तुम्हारी पम्पम में बेसन और मलाई लगने वाली है। और इसकी अब्दुल गनी की पम्पम भी लगा तो डबल व्हाइट हो जाएगी। तो ये रही चौपाटी, और इसके बाहर है ना ये टैक्सी स्टैंड बना दिए लोगों ने भाई, देखो पिकअप पॉइंट बना दिया टैक्सियों का। बात है अपन बाइक छोड़ के जाएंगे ना, यहाँ से बाइक उठा लेंगे अपनी चौपाटी के बाहर। आप पार्किंग नहीं रही भाई, अपना भाड़ा है ना क्या? आप कुछ बोल रहे हैं? अरे अच्छा सॉरी सॉरी, एक बार छोड़ दो, आप लोग पहली बार आए थे मालूम नहीं। ये बहाने अपनी चलते भाई, अब वो डायरेक्ट फोटो खींचते और चले आते हैं, और डायरेक्ट मैसेज आता है आपको 500 रुपए का, क्योंकि चौपाटी के बाहर पार्किंग है ही नहीं। पापा ऐसा होना चाहिए, जो लोग के पास बाइक है वो लोग नहीं आ सकते क्या चौपाटी? अब ये देखो बच्चे भड़क गए, और बात तो सही भी है, जब आपने यहाँ पे पिकनिक स्पॉट बनाया हुआ है बच्चे लोगों के लिए घूमने के लिए फैमिली के लिए, तो फिर इनकी पार्किंग कहाँ कर स्तर पे रखे? मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आप भी बुलेट लेके और सब चीजें उड़ा दूं बुलेट के साइलेंसर की हवा से। फिर मैं बोलूंगा और लहाने नहीं तो भाई, अब ऐसी करूंगा। ऐसा नहीं करने का भाई, जो हमारा कानून है उसके साथ में उसको अपने लोग मिलके सपोर्ट करने का, ठीक है? सपोर्ट करेगा तो उसका मतलब हम लोग नहीं लगा सकते क्या गाड़ी? आगे बच्चे परेशान हो रहे हैं भाई, उनको तो पार्किंग चाहिए ना, समझाई भी तो क्या समझा और कैसे समझाए, तो खैर चलो फटाफट पार्क कर गया था, अभी ले जाते इनको चौपाटी। पार्किंग तो अपोजिट साइड में भी नहीं है, मैंने तो लगा दिया रिक्स पे, अब देखेंगे अल्लाह करी में। अभी देखो ये सारे बैरिकेड लगे हुए हैं भाई, अब यहाँ से कुछ इस तरीके से निकलना पड़ रहा है भाई। देखो अब वहाँ सामने चौपाटी हो रखी है, बच्चों को वहीं छोड़ दिया था मैंने, चलो निकलते हैं। बच्चों लोग पार्किंग वहाँ पे भी नहीं दिया, वहाँ पे रिक्स पे अल्लाह के भरोसे छोड़ दिए, वहाँ सामने की लाइन में। पूरा चौपाटी कितने का होगा ये पूरी चौपाटी? बेटा ये अपन 101 रुपए देंगे तो अपने मुझे। हाँ और क्या, बल्कि 101 रुपए भी नहीं देंगे, खाली 30 रुपए देंगे तो चौपाटी अपनी हो जाएगी। ठीक है कल आके मैं खरीद लूंगा, तो मेरी मन पॉइंट खरीदना मैं खरीदूंगा। तो ये चौपाटी 30 रुपए देके ऐसे अपनी होगी, कैसे होगी अपने को पता है? चलो बताता हूँ भाई, कितने की भाई चटाई? 30 रुपीज की, 30 रुपए की ना, 30 रुपए देके चटाई ले लो, उसके बाद फुल चौपाटी अपनी, फुल एंजॉय करो ना। ना देखे तो भाई गाइस देखो आखिर हो गई पूरी चौपाटी 30 रुपए में अपनी। अरे पापा मम्मा क्या बोल रहे हैं, 30 रुपए भी नहीं दूंगी मैं तो, घर की चादर ला के बैठूंगी। तो भाई गाइस देखो पूरी चौपाटी पूरी खाली हो रखी है। चलो समंदर में चलते भाई साहब, रात का टाइम है, समंदर में नहीं जाते। और वैसे भी ये जो समंदर है ना वो स्लोपी होता है, मतलब जितना आगे जाओगे ना, पहले बात सुनो, जितना तुम आगे जाओगे ना उतना वो डीप होता जाता है, और जब वो लहर आती है वापस जाती है ना तो खींच के अंदर ले जाती है। हाँ कम से कम नीचे तो चलो, वहाँ पे लोग खड़े ना। अच्छा ठीक है चलो, पहले देखते हैं, लेकिन पानी में नहीं जाएंगे, ठीक है? रात के टाइम पानी में नहीं जाऊंगा। हाँ भाई गाइस देखो इतनी रात में भी समंदर की लहरें क्या प्यारी प्यारी दूध जैसी व्हाइट व्हाइट दिख रही है, लेकिन ये दूध जैसी व्हाइट व्हाइट साफ सुथरी है नहीं, पता है क्यों तुम लोगों को? लोग कचरा डालते हैं वो तो अलग है, लेकिन हम लोग अभी गिर गए चौपाटी पर है ना, तो हमारे यहाँ जो वर्ली है ना, वर्ली वर्ली पे पूरे अपने मुंबई का जो गटर है ना वो समंदर में छोड़ देते हैं। तो क्या आप तुम लोगों को जाना है इसमें नहाने के लिए? अब जाना है तुम लोगों को इसमें नहाने के लिए? अब जाना है इसमें पैर डालने के लिए? बेटा ये सब गटर का पानी है, पैर भिगाए थे तो पूरा स्किन में प्रॉब्लम हो गई थी। पैर डालने में क्या जाता है पता है? चलो बताता हूँ, आ जाओ आ जाओ, पकड़ के चले, डर लग रहा है। तो डर लग रहा है तो अभी काय को जा रहा है, चलो दिखाता हूँ, आ जाओ। ये जो सारा कचरा है ना वो पानी की जो लहर है ना वो समंदर में से यहाँ पर आ रहा है, पानी यहाँ पे छोड़ के गया, ये पानी इतना गंदा है। छोटे बच्चे की हगीज भी रही, वहाँ पे देखो डायपर भी है बेटा, पानी भाग जाओ भाई। ये भाई ये मुंबई है भाई, सपनों की नगरिया, और इसके अंदर देखो कितनी है गटरिया गटरिया। ये है मुंबई नगरिया, और यहाँ पर देखे आपने कितना बहता है गटरिया। मुंबई इतने बड़े शहर में रहते हैं, और यहाँ पे ऐसे हगीज डायपर ना पार्किंग सब इधर ही पड़ा हुआ, मेरे को नहीं नहाना इधर, चलो मेरे को पानी। थोड़ी देर पहले ये भी पेशाब कर रहा था। ऐसी कोई जगह नहीं गाइस जहाँ पर ये पेशाब ना करता हो। अच्छा भाई नहीं किया, नहीं किया भाई, जान तो नहीं किया। कुछ खाएगा पिएगा तो टॉयलेट भी करके जाएगा, यहीं पे धोलेगा। करेगा भाई टॉयलेट? तो भाई गाइस हर जगह जा जाता है वो पेशाब पेशाब कर लेता है, तो ये समंदर का पानी इसने 5 लीटर बढ़ा दिया पेशाब करके। नहीं नहीं बेटा ये मट्टी गंदी नहीं, इसमें बिंदास खेलो। हाँ खाली डॉगी कहीं कहीं पे इसमें मुद देते हैं।
साथ में हमारा बचपना भी इस चौपाटी की मिट्टी में खेल खेल के गुजरा है भाई। क्या बनाती थी यहाँ पे? पहाड़ बनाती थी, मिट्टी का पहाड़, और फिर तोड़ देती थी। हाँ, ये भी समझदारी की बात किया भाई। तो बेटा हम लोग जब यहाँ पे आते थे ना हमारे बचपन में, तब हम लोग यहाँ पे क्या करते थे मालूम है? अपने एक दूसरे दोस्तों की ना शक्लें बनाते थे अपने दोस्तों के फोटो यहाँ पे बनाते थे, और उसके बाद में उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाते थे, बोलते हम लोग तेरे ऊपर चढ़ के बैठ गए तो भाई तुमने किसका फोटो बनाया? ये हमारे सोनू भाई है। ये सोनू भाई का फोटो है? बहुत मारेगा सोनू भाई अब ये किसका बनाया भाई? कौन है लक्की भाई? बेटा पप्पो इतना मारेगी तो मैं अपने दोस्तों का बनाता था, तुम अपने भाई लोग का ही बना रहे हो? जो भाई है ना वो हमारे दोस्त भी है। अच्छा ऐसा है क्या? कौन है? कौन है? अरे कौन है बोलो? भाई जान। अच्छा तुम्हारे भाई लोग की तुम्हारी जान है ऐसा बोलो? क्या बात है यार, ये बच्चा भी एक नंबर डायलॉग देता है भाई। चलो भाई अभी मस्ती वस्ती हो गई तो चलते हैं, अब जरा कुछ खा पी लेते हैं। पानी पूरी तुम्हें खाना था ना? हाँ। चलो ठीक है, चलो फटाफट आ जाओ। मुझे मुच्छड़ पान। मुच्छड़ पान नहीं होता है, मुच्छड़ पान वाले की दुकान से पान बोला जाता है। सुबह गाइस देखो अब्दुल गनी को मिल गया ये कटोरा। तो भाई पानी पूरी कैसी चीज है, अमीर हो या गरीब हो सबको भीख मांगे खाना पड़ती है कटोरे के अंदर। ये तो अल्लाह ही देगा। देखो बेटा कटोरा दिखाओ। चलो अब तुम भी अपना कटोरा बढ़ाओ और पानी पूरी खाओ। भाई देखो अब्दुल गनी का कटोरा भी आ चुका है। देखो क्या बोलते हैं, मैं पानी पूरी ना खाऊं, खूब मजे लूट लूट के खा रहे, मेरे से भी ज्यादा। दो प्लेट हो चुकी है। ये ग्लव पहन के। दो प्लेट हो चुकी है। हाँ, तो ग्लव पहन के बना रहे ना अपन? क्यों? हाँ, क्योंकि वो लोग ग्लव पहन के अच्छे से बना रहे ना, हाइजीनिक, इसलिए आराम से खा रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई दही पूरी और पानी पूरी के बाद अब बारी आ चुकी है आइसक्रीम की। क्या है ये बबल्स? मगर बेटा ये जिसकी चीज है अपने को देना ही पड़ेगा आखिरत में सामने वाले को, वरना भी उतने पैसे अपने को गरीब को सबका करना पड़ेगा। हाँ, तो वही तो बोल रहा, कर दो रे, मैं ले लेता हूँ। ये क्या बात है? नया ना खरीद लो इससे अच्छा नया नहीं खरीदो, किसी का यूज करा हुआ क्यों लो, फेंक दो, नया खरीद लो 120 रुपए का। जहाँ से उठाए थे वही छोड़ दो बेटा, गिरी हुई चीजें नहीं उठाने का, ये गंदी बात है। गिरी हुई नहीं थी, ऐसे रखी हुई थी। हाँ तो वापस वहीं पे रख दो जाके, अपन दूसरा नया खरीद लेंगे, ठीक है। यही चीज आप भी अपने बच्चों को नसीहत क्या करें, हम चाहते तो वो चीज उठा के ले जा सकते थे और गरीब को सत्कार कर सकते थे, लेकिन उसी पैसों से हम खरीद लें, जिसकी जो चीज जा रखी है वहीं पे रख दी। इसको कोई जो भी जिसका भी तो घर आके सो गया होगा, और अभी सुबह झाड़ू वाले आके इसको फेंक देंगे। चलो एक काम करो अपन चलते हैं, ये किसी गरीब बच्चों को ढूंढ के दे देते हैं। आप मेरे से भर के कोई गरीब है क्या? मैं रख लेता हूँ। क्या कर देगा गाइस, ये बताओ यार, ये मानता नहीं है। बबल्स के लिए गरीब भी बन गया ये। अब देखो आप गरीब बच्चे लोग को ले लेता। तुमको पता है ये अपन ने दे दिए, और ये जिसका भी होगा ना इसका सवाब अल्लाह ताला उसको दे, है ना। और तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमको बहुत सवाब मिलेगा। अरे आप क्या अच्छा अच्छा काम किया, दिल पर पत्थर रख के दिया, अभी याद मत दिलाओ। चाहते तो बेटा अल्लाह और देगा, एक देंगे अल्लाह की राह में तो 10 मिलता है, ठीक है। हाँ तो गाइस आज तो शॉपिंग हो गई, घूमना हो गया, खाना हो गया, पीना हो गया, धमाल हो गया, मजे हो गए। तो अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। पापा रुको रुको, मेरी ढीलियों का पैंट। लेकिन ये पहले तो ये पैंट है ही नहीं, ये चड्डा पैंट। हाँ ये तो चड्डे राजा, तो तुम्हारा चड्डा ढीला हो गया ऐसा बोलो, पैंट ढीली होगा ऐसा मत बोलो। तो गाइस आप बहुत सारी मेहनत करते हैं, तो आप लोगों को बिना मेहनत के, हम मेहनत करते हैं आपको बिना मेहनत के, सिर्फ वो एक बटन दबाना है लाल वाला, जिससे क्या होता है सब्सक्राइब, वो दबाने से होता है हमारा फायदा और आपका भी। तो आपका नुकसान नहीं है, हमारा फायदा हो जाता है। तो गाइस अगर हमारा फायदा और आपका नुकसान नहीं हो रहा, जल्दी से दबा दीजिए उस बटन को। और क्या करना चाहिए? तो भाई गाइस हमारी मस्ती तो यही चलती रहेगी। आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बच्चों को मोटिवेशन मिलता है। और कर देते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, और आप कर देते हैं इस ब्लॉग का सब्सक्राइब।